और अब बात महारण 2024 की, तो चौथे चरण के चुनाव प्रचार अभियान तेज। तो नाव और हरदोई में आज सीएम योगी की रैली, शाजापुर में भी चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम। तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार सीएम की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। तो सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता की गई है। तो तीन जिलों का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर यह दौरा काफी अहम है। तो आपको बता दें कि चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान जो है वो बीजेपी की तरफ से तेज कर दिया गया, और इसी कड़ी में उन्नाव, हरदोई और आज शाजापुर में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम। और लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शुभम, कल तीसरे चरण को लेकर मतदान है, तो वहीं चौथे चरण के लिए बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया, और उसी कड़ी में तीन जिलों उन्नाव, हरदोई और शाजापुर में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम। जी बिल्कुल, देखिए कि जो बीता हुआ जो चरण है जिसको लेकर के कल वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के परसों ही प्रचार समाप्त हो चुके हैं। बीते चरण में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा सभाएं करी उस दौरान, और उस दौरान लगभग हर सीट पर वो पहुंचे। लिहाजा अब चौथे चरण को लेकर के भी तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है, प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर, इन तीन जगहों पर अपनी जनसभाएं करेंगे। जनसभाओं में खास तौर से वो उन तमाम मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा कनेक्ट कर पाए। लिहाजा आज तीन जगहों पर, उन्नाव में, हरदोई में और शाहजहांपुर में, ये तीन जनसभाएं अलग अलग जगहों पर की जाएंगी। करीब 12 बजे के आसपास से पूरे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर शुरू होंगे, जिसके बाद वो तीन जगहों पर इसी तरह पहुंचने का काम करेंगे। अलग अलग जगहों पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो तमाम बैठकें होनी है वो भी पहले से ही उनके कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं तो जनसभा के दौरान वो सीधा वार्तालाप जनसभा में जो लोग आए हुए होते हैं उनसे करते हैं, और इसी से ही आप समझिए कि बीते जो जनसभाएं हैं उसमें भी जो अलग अलग बयान उनके निकल करके सामने आए हैं उनसे जनता सीधा जुड़ती है। लिहाजा आज अपने आप में बिल्कुल, और इन तीनों अगर सीटों की बात करें, उन्नाव, हरदोई, शाजापुर के, शुभम, तो अगर इसके समीकरण को समझना चाहे, इसके दौरे को लेकर जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह और समीकरण को भी जरा हम जानना चाहेंगे शुभम। देखिए, समीकरणों की अगर बात करें तो उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें रही हैं। लिहाजा इस बार की चुनौती प्रमुख तौर पर यही है कि इन सीटों पर वापस से ही भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाए। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकटों का आवंटन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है, नामांकन प्रक्रिया भी लगभग सभी सीटों पर पूरी कर ली गई है, और ऐसे में अभी फिलहाल यहां पर प्रचार प्रसार का काम भारतीय जनता पार्टी लिहाजा तेजी के साथ कर रही है। और ऐसे में तीसरे चरण का एक तरफ जहां प्रचार प्रसार थम चुका है, तो वहीं चौथे चरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ग्राउंड में नजर आने वाली है, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, यही वजह है कि चुनावी नतीजों पर इन प्रचार प्रसार जो मेहनत बीजेपी की तरफ से जो तमाम दिग्गज करते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि यही वजह है कि पूरा जो सालों साल है वो चुनावी मोड में बीजेपी रहती है, और उसका नतीजा, उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं सकारात्मक बीजेपी के लिए रहता है। निश्चित तौर पर 365 दिन हर दिन जो है किसी ना किसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तमाम लोग जुड़े रहते हैं, और यही वजह है कि जब परिणाम भी आते हैं तो उनके पक्ष में आते हुए नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकते हुए नजर आते हैं, और जिसकी वजह से ही अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कहीं पर भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ नजर आती है। और यही समझिए कि आप चौथे चरण को लेकर के एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दल अभी फिलहाल तीसरे चरण को ही लेकर के उनकी तैयारियों में जुटे हुए, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने चौथे चरण की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, अपने स्टार प्रचारकों को जमीन में उतारना शुरू कर दिया है, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर लिए हैं, और यही वजह है कि इस तरह की तैयारी बूथ लेवल से लेकर के हर लेवल पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसी वजह से जो परिणाम आते हैं वो उनके पक्ष में होते हैं। बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। तो चौथे चरण के लिए अभियान की जो प्रचार प्रसार